नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। ऋषि भारद्वाज गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में निवास करने वाले भगवान राम तथा उनकी कथा का प्रचार करने वाले भरद्वाज मुनि भगवान बृहस्पति के भाई उत्तथ्य के प्रिय पुत्र थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम का सौभाग्य था जो वनवास के समय श्रीराम सीधे यहीं पहुँचे। उन्हें आश्रम बहुत पसंद आया। चूँकि यह अयोध्या के निकट था इसलिए श्रीराम अधिक समय तक वहाँ नहीं रहना चाहते थे। जब प्रस्थान का मन बना ही लिया तो भरद्वाज ने अधिक आग्रह न करते हुए उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। जब भाई भरत अपने भ्राता राम से मिलने जा रहे थे तो भरद्वाज ने उनका हृदय से स्वागत कर अपने आश्रम में विश्राम करने को कहा। इतना स्नेह दिया कि भरत जी पहले चकित और फिर लज्जित हो उठे, क्योंकि भरद्वाज जी ने राम से भी अधिक अतिथि सत्कार भरत का किया। रामानुरागी रामायण का प्रचार करने वाले भरद्वाज मुनि की दो बेटियों का विवाह भी ऋषियों के साथ हुआ। एक बेटी का शुभ विवाह याज्ञवल्क्य जी के साथ हुआ। दूसरी बेटी के पति का नाम विश्रवा मुनि था। इसी दूसरी बेटी के पुत्र का नाम कुबेर था। भरद्वाज स्वयं क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे। हर वर्ष मकर में सभी ऋषि मुनि इनके आश्रम में पहुँचते तथा कल्पवास वहीं किया करते। कल्प के बाद सब ऋषि मुनि अपने गंतव्य को लौट गए। भरद्वाज के मन में याज्ञवल्क्य के प्रति इतना स्नेह उपजा कि उन्होंने उन्हें कुछ और समय के लिए आश्रम में ठहरने के लिए राजी कर लिया। मन में लक्ष्य था श्री रामायण की कथा सुनना, सुनाना एवं इस पर चर्चा करना। यह कार्य वह जगत हित के लिए करना चाहते थे और उन दोनों का समय राम कथा में ही बीत जाता। उन्हें इस प्रवास में बड़ा सुख मिला। आश्रम स्वामी भी प्रसन्न, मेहमान ऋषि और भी प्रसन्न। ऐसे आलौकिक थे ऋषि भारद्वाज। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।